संजय गांधी हॉस्पिटल की बिल्डिंग 1986 में बनी थी। बाहर का पोर्शन बिल्डिंग का कुछ खतरनाक इसलिए हो गया है कि वो टूट रहा है। उसको हमने डेंजरस घोषित किया है ताकि किसी भी व्यक्ति किसी भी पेशेंट के ऊपर वो गिर ना जाए। उस एरिया को हमने कॉरिडोर से कवर भी कर दिया है ताकि वहाँ की जो मूवमेंट है कम हो जाए। इसका रिपेयर का काम हमने PWD को दिया हुआ है, सेंक्शन हमने दे दी है। अब कुछ ही दिनों में उसका टेंडर हो जाएगा तो वो रिपेयर का काम पूरा हो जाएगा। बिल्डिंग अंदर से अभी भी सुरक्षित है। इसके 2 इंस्पेक्शन भी हो चुके हैं जिन्होंने अंदर से बिल्डिंग को डेंजरस नहीं घोषित किया है, तो ये रिपेयर हो जाएगा और पूरा काम पूरा हो जाएगा। 55-60 साल से पहले किसी भी बिल्डिंग को हम गिरा नहीं सकते हैं, उसको डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स होते हैं। तो ये 86 से अब तक अभी इसको बिल्डिंग अभी भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो बिल्डिंग अभी रिपेयर हो सकती है। तो इसमें बताया जा रहा है सर करोड़ों रुपए का खर्चा भी आएगा, तो उसका उसके बारे में क्या बताएंगे कि कितनी लागत लगभग लग जाएगी पूरी बिल्डिंग की रिपेयर के लिए? अंदर और बाहर की रिपेयर के लिए 1,12,00,000 शायद हमने सेंक्शन दी है, जिसके अंदर अंदर और बाहर का एरिया दोनों इन्वॉल्व है रिपेयर के लिए। बट ये एक सेंक्शन दी है, रियल एस्टिमेट टेंडर के बाद ही पता लगेगा कि कितने का वो टेंडर फ्लोट होता है रिपेयर के लिए। कितने दिन में लगता है कि कितने दिन और लगेंगे इसको रिपेयर होने में, कितने दिन बाद लोग इस बिल्डिंग का भी लुत्फ़ उठा पाएंगे? बिल्डिंग में अभी भी मरीज हैं और मरीजों का इलाज उसमें हो रहा है, जो एरिया सुरक्षित है। ठीक है, बिल्डिंग को रिपेयर होने में मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे बस।